Dear students, good morning. In previous video, I have already discussed about the central idea of the poem A Thing of Beauty and its rhyming scheme. Today, I am going to explain main theme, message, and line by line explanation of the poem. पिछले वीडियो में हम लोग सेंट्रल आइडिया देखे हैं और राइमिंग स्कीम इस पोएम का जो मेन थीम है, मेन थीम दैट इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए परमानेंट और पेरेनियल कर सकते हैं इसको, कभी न समाप्त होने वाली परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड इंस्पायरेशन, सुंदरता की एक वस्तु, खुशी और प्रेरणा की कभी न मिटने वाली स्रोत होती है। ये पूरा जो पोएम है इसी मेन थीम पर रोटेट किया है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड इंस्पायरेशन। पोएट जो मैसेज दिए हैं इस पोएम में, मैसेज वी शुड प्रिजर्व ब्यूटी, प्रिजर्व ब्यूटी because it leaves permanent impression on our mind। हमें सुंदरता को संजोकर या बचाकर रखनी चाहिए क्योंकि ये हमारे मस्तिष्क पर टेम्पररी नहीं परमानेंट इंप्रेशन छोड़ती। अब हम लोग यहां से पोएम का एक एक लाइन करके एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला लाइन जो है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। अब इस लाइन को देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जिस पर पूरा पोएम रोटेट किया है, चार चार बार जैक बोर्ड में रिपीटेड है। हाउ इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, या एक्सप्लेन कीजिए ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, या अगर रहे कि व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, तो सबका एक ही आंसर है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए पेरेनियल, पेरेनियल मीन्स नेवर एंडिंग, कभी न समाप्त होने वाली, जिसको सतत कहते हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड इंस्पायरेशन बिकॉज इट नेवर फेड्स इन आवर इमेजिनेशन, सुंदरता की एक वस्तु, खुशी और प्रेरणा की कभी न मिटने वाली स्रोत होती है क्योंकि ये हमारी कल्पनाओं में कभी मुरझाती नहीं। सेकंड लाइन का है कि इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। अब इससे पोएट क्या कह रहे हैं, इट्स लवलीनेस, इट्स मतलब ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इसकी सुंदरता बढ़ते चली जाती है। दैट मीन्स इट्स ब्यूटी एंड चार्म इंक्रीज विथ द पैसेज ऑफ टाइम, सुंदरता की एक वस्तु की उसकी जो सुंदरता है उसकी चमक समय के साथ बढ़ते चली जाती। जैसे अगर आज आपको किसी गाने की धुन अच्छी लग रही है, कल उसके अगर शब्दार्थ और भावार्थ, इनर और आउटर मीनिंग दोनों समझ में आ जाए,
तो उस गाने की सुंदरता और बढ़ती ही चली जाएगी, वो कभी कमती नहीं। तो इट्स ब्यूटी एंड चार्म इंक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। अब यहां से बुक का इस लाइन का एक्सप्लेनेशन से बुक के क्वेश्चन नंबर टेक्स्ट बुक का 6 का आंसर भी हो जाएगा। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ए थिंग ऑफ ब्यूटी नेवर प्रूव्स यूजलेस, सुंदरता की एक वस्तु कभी बेकार नहीं जाती, कभी शून्य नहीं हो सकती। क्यों? बिकॉज इट नेवर फेड्स इन अवर इमेजिनेशन, क्योंकि ये हमारी कल्पनाओं में कभी मुरझाती नहीं। एंड अवर इमेजिनेशन एड न्यू कलर इन इट विथ द पैसेज ऑफ टाइम, और हमारी कल्पनाएं समय के साथ इसमें नए रंग भरते चली जाती। तो डू बी एक्सपीरियंस ए थिंग ऑफ ब्यूटी फॉर ए शॉर्ट मोमेंट ऑफ टाइम, और डू दे मेक एवर लास्टिंग और परमानेंट इंप्रेशन ऑन अवर माइंड। तो आपके क्या जवाब होंगे? ऑफकोर्स ब्यूटी इज ए फास्ट फेडिंग क्वालिटी, बट इट लीव्स परमानेंट इंप्रेशन ऑन अवर माइंड। निसंदेह ब्यूटी एक फास्ट फेडिंग क्वालिटी है, लेकिन हमारे मस्तिष्क के ऊपर ये परमानेंट इंप्रेशन छोड़ती है, एंड वी टेंड टू प्रिजर्व इट टिल द लास्ट डे, और हमारी ये प्रवृत्ति होती है कि हम जीवन के अंतिम क्षण तक इसे संजोकर या बचाकर रखें। जैसे अगर आपने चांदनी रात में ताजमहल की सुंदरता को देख, आप वहां से हटे, वो सुंदरता आपकी आंखों से ओझल हो गई, लेकिन आप जब चाहेंगे तब अगर आंख बंद करके चाहें तो हम उस सुंदर नजारे को फिर से एक बार देख सकते हैं। इसलिए ए थिंग ऑफ ब्यूटी मेक्स परमानेंट इंप्रेशन ऑन अवर माइंड, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, बट विल कीप ए बोवर बर्ड। नेक्स्ट लाइन देखिए, बट विल कीप ए बोअर फॉर अस, बट विल कीप ए बोअर। अब यहां पर बोअर शब्द जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट विल कीप ए बोअर फॉर अस क्वाइट फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड क्वाइट ब्रीदिंग। अब इस पूरे लाइन को यहां से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। कवि कह रहे हैं कि सुंदरता की एक वस्तु, एक ओवर सैडी प्लेस, मैंने सेंट्रल आइडिया में भी इसको एक्सप्लेन किया है। व्हाट इज बोअर? बोअर मीन्स ए सैडी प्लेस अंडर ट्रीज वेयर वन कैन रिलैक्स एंड बिहोल्ड द ब्यूटी ऑफ नेचर। पेड़ों के नीचे का वह छायादार जगह जहां हम रिलैक्स कर सकें और प्रकृति के उस अनुपम सौंदर्य को निहार सकें, देख सकें। कभी कहते हैं कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जस्ट लाइक ए स्वीट बोवर वेयर वी कैन टेक साउंड स्लीप फिल्ड विथ स्वीट ड्रीम्स। सुंदरता की एक वस्तु उस मधुर लता कुंज के समान होती है जहां हम मीठे सपनों से भरे गहरे नींद ले सकते हैं, और ये हमारे हेल्थ और माइंड दोनों के लिए बेनिफिशियल होते हैं। न केवल हेल्थ के लिए बल्कि माइंड के लिए भी ये बेनिफिशियल। तो अगर रहे 1 मार्क्स में क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय बोअर, तो सिंपली लिखेंगे हम लोग कि ए सैडी प्लेस अंडर ट्रीज वेयर वन कैन रिलैक्स एंड बिहोल्ड द ब्यूटी ऑफ नेचर। 2 मार्क्स में रहे बोअर को एक्सप्लेन करने के लिए, तो पहले उसके मीनिंग लिखेंगे कि बोअर मीन्स ए सैडी प्लेस अंडर ट्रीज वेयर वन कैन रिलैक्स एंड बिहोल्ड द ब्यूटी ऑफ नेचर। व्हाट डज इट प्रोवाइड? तो द पोएट सेज दैट
ए थिंग ऑफ ब्यूटी जस्ट लाइक ए स्वीट बोअर फेयर वी कैन टेक साउंड स्लीप फिल्ड विथ स्वीट ड्रीम्स, जहां हम मीठे सपनों से भरे गहरे नींद ले सकते हैं. एंड इट इज बेनिफिशियल फॉर अवर हेल्थ एंड माइंड. अब अगला लाइन देखिए, देयरफॉर ऑन एवरी मोरो पॉइंट कहते हैं, जो बुक का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी होगा, ये लाइन का जो एक्सप्लेनेशन है, देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी रेडिंग, आर वी रेडिंग ए फ्लावरी बैंड, ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ. अब इस लाइन को देखें हम लोग, देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, मोरो मीन्स यहां मॉर्निंग के लिए, रेडी मीन्स प्रिपेयरिंग बनाना, फ्लावरिंग बैंड मीन्स गार्लैंड ऑफ फ्लावर, टू बाइंड, बाइंड मीन्स टू कनेक्ट टू लिंक. अब कवि कह रहा है कि इसीलिए प्रतिदिन सुबह हम फूलों की एक माला बनाते हैं जो हमें प्रकृति से जोड़ कर रखती है. अब इस लाइन से, इस एक्सप्लेनेशन से कवि कह क्या रहा है, फ्लावर्स आर द बेस्ट मॉर्निंग गिफ्ट ऑफ नेचर टू ह्यूमन बींग्स. फूल प्रकृति द्वारा प्रदत्त मानव के लिए सुबह का सर्वोत्तम उपहार. इट्स ब्यूटी अट्रैक्ट और फैसिनेट अस, फूलों की सुंदरता हमें आकर्षित करती. वी बिहोल्ड दियर ब्यूटी, हम उनकी सुंदरता को निहारते हैं. एडमायर दियर ब्यूटी, उनकी सुंदरता की प्रशंसा करते हैं. पिकअप देन, उन्हें चूमते हैं. एंड देन मेक ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, फिर फूलों की एक माला बनाते हैं. तो जितना देर तक हम उसे देख रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसे चूम रहे हैं और फिर फूलों की एक माला बना रहे हैं, तो उतने देर तक हमको अपने व्यक्तिगत तनाव और दबाव से वो मुक्त रखती और उतने देर तक हमको प्रकृति से जोड़कर रखती. तो कवि इससे क्या कह रहा है कि इवन ए स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर और ब्यूटी कैन गिव अस ए लॉट ऑफ हैप्पीनेस, कि प्रकृति की या सुंदरता की एक छोटी से छोटी वस्तु भी हमें असीमित खुशियां दे सकती. तो अगर एक लाइन में रहे, वन मार्क्स में, कि व्हाट डज द पोएट मीन बाय द स्टेटमेंट देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी रेडिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ. तो अगर डायरेक्ट आंसर लिखे वन मार्क्स में, तो थ्रू दिस एक्सप्रेशन द पोएट सेज दैट इवन ए स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर और ब्यूटी कैन गिव अस ए लॉट ऑफ हैप्पीनेस, कि प्रकृति या सुंदरता की कोई छोटी से छोटी वस्तु भी हमको असीमित खुशियां दे सकती. अगर टू मार्क्स में एक्सप्लेन करने के लिए हो तो लिखेंगे कि फ्लावर्स आर द बेस्ट मॉर्निंग गिफ्ट ऑफ नेचर टू ह्यूमन बींग्स, इट्स ब्यूटी फैसिनेट और अट्रैक्ट अस, वी बिहोल्ड दियर ब्यूटी, एडमायर दियर ब्यूटी, पिकअप देम एंड देन मेक ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स. That means even a small object of nature or beauty can give us a lot of happiness. कि सुंदरता या प्रकृति की एक छोटी से छोटी वस्तु भी हमको जीवन में असीमित खुशियां दे सकती है. अब आगे का लाइन हम लोग देखें. अब देखिए यहां कह रहा है कि स्पाइट ऑफ, मतलब के बावजूद, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस मीन्स निराशाएं, डिस्पोंडेंस ऑफ इनह्यूमन
depth of noble nature of gloomy days unhealthy over darkened which yes in spite of all some shape of beauty moves away the pall. मैं पोएम में जिस तरह से राइमिंग लिखा हुआ है उसको मैं नहीं लिख रहा हूं, पहले क्लियर कर दे रहा हूं। जहां तक से उसके एक मीनिंग निकल रहे हैं जो उस स्टांजा से जो उस लाइन का स्पेसिफिक मीनिंग है, मैं उस तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब यहां देखिए स्पाइट ऑफ कहें मतलब इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट के बावजूद, डिस्पोंडेंस मीन्स निराशाएं। अब यहां पर कवि लिस्ट दिया है कि कौन कौन सी चीजें हमें दुख और दर्द पहुंचाती। अब यहां पर स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ इनह्यूमन डेथ, डेथ मीन्स होता है लैक, कमी, शॉर्टेज, लैक या इसको शॉर्टेज कह सकते हैं, नोबल नेचर, काइंड हार्टेड पीपल, इस दुनिया में अच्छे लोगों की भयावह कमी, आप जिसके लिए अपनी जिंदगी समर्पित कर दिए हैं, जिंदगी देने के लिए तैयार हैं, आपको पता चलेगा कि वही आपका खून का प्यासा। तो ये चीजें सोचकर हमें दुख और दर्द होती। इन ह्यूमन डेथ ऑफ नोबल नेचर, ग्लूमी डेज, उदासी भरे दिन। आज हम हर प्रकार से सुख समृद्धि में जी रहे हैं, किसी गरीब दरिद्र भिखारी को देखते हैं तो मन में कहीं न कहीं से एक फीलिंग जरूर आती है कि जब हमारे भी एक विपत्ति के दिन आ सकते हैं। तो ग्लूमी डे ये सोच करके हम उदास हो जाते हैं। अनहेल्दी माइग्रेबल हेल्थ कंडीशन, आज हम स्वस्थ हैं, एक बार में दो दो सीढ़ियां उछलकर चढ़ जा रहे हैं, लेकिन किसी 80 वर्ष के बुजुर्ग को देखते हैं कि 10 सीढ़ी चढ़ने में उसको 5 बार बैठने की आवश्यकता पड़ रही है। तो उस कंडीशन को देख कर भी हमारे इमेजिनेशन में ये चीज आती है कि एक दिन हमारी भी वही दुर्गति होगी, तो हमारी खुशियां गम में बदल जाती है। ओवर, यहां पर पॉइंट लिखे हैं OER, इसको पढ़ेंगे ओवर डार्केंड वेज द मिस्ट्री ऑफ लाइफ, जीवन के रहस्य। कल तक हम जिससे हंसकर बात करते हैं, अगले दिन न्यूज मिलती है कि उस दुनिया को ही वो अलविदा कहकर चला गया। तो ये सारी चीजें हमें क्या करती है, दुख और दर्द पहुंचाती। तो बुक का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, कवि कहा है कि इस पोएम में लिस्ट द थिंग्स विच कॉज सफरिंग और पेन्स, कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें दुख और दर्द पहुंचाती। तो पहला, इनह्यूमन डेथ ऑफ नोबल नेचर, देयर इज लैक ऑफ काइंड हार्टेड पीपल इन दिस वर्ल्ड। सेकंड, द डेज ऑफ एडवर्सिटी, ग्लूमी डेज। थर्ड, माइजरेबल हेल्थ कंडीशन। एंड फोर्थ, ओवर डार्केंड वेज द मिस्ट्री ऑफ लाइफ। तो ये सारी चीजें हमें दुख और दर्द पहुंचाती है। अब कवि कह रहा है कि यस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल, पॉल मीन्स होता है कवर, आवरण, इसको श्राव दफन भी कहते हैं। अब यहां पर देखिए, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल, इन हर चीजों के बावजूद भी कौन सी एक ऐसी चीज है जो हमें जीवन से प्यार करना सिखाती है। प्रीवियस वीडियो में मैंने क्लियर किया था कि द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग इज नथिंग बट ए टेल ऑफ ग्रीफ और सॉरो, मानव का जीवन कुछ भी नहीं
बल्कि दुख और दर्द की एक कहानी। जीव दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो दुख और दर्द में नहीं जी रहा, लेकिन इस हर दुख और दर्द के बावजूद भी कौन सी एक ऐसी वस्तु है जो हमें जीवन से प्यार करना सिखाती। बुक का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग लव लाइफ डिस्पाइट ऑल सफरिंग एंड पेन। तो अगर एक लाइन में कहें, एक वर्ड में कहें, तो दैट इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी। उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग इज नथिंग बट ए टेल ऑफ ग्रीफ और सॉरो, बट ए थिंग ऑफ ब्यूटी मेक्स ह्यूमन बीइंग लव लाइफ डिस्पाइट ऑल सफरिंग एंड पेन। लेकिन सुंदरता की एक वस्तु हमें हर दुख और दर्द के बावजूद भी अपने जीवन से प्यार करना सिखाती। वो दुनिया का हर व्यक्ति सुंदरता की एक डोर में बंधा हुआ है। अगर सुंदरता नहीं होती ना, तो हर कोई सुसाइडल अटेम्प्ट ले लेता। रिक्शावान दिन भर रिक्शा खींचता है, वो भी सुंदरता की एक डोर से बंधा हुआ है। यही 200 रुपए 100 रुपए कमाकर ले जाएंगे तो अपने बच्चों को जो खिलाएंगे तो उनका जो मुस्कुराता हुआ चेहरा देखेंगे, उस सुंदरता की डोर से वो बंधा हुआ है, उसी से उसमें ऊर्जा का संचार हो रहा है। चाहे वो जेठ की दोपहर हो या भादो की रात, वो दिन रात काम करता है। हमारे सैनिक हमारे देश की सुंदरता से, मातृभूमि की सुंदरता से बंध करके काम करते हैं। दुनिया का हर व्यक्ति सुंदरता की एक डोर से बंधा हुआ है। अगर ये सुंदरता नहीं होती तो हर कोई ही सुसाइडल अटेम्प्ट ले लेता, क्योंकि उसके जीवन का कोई मकसद ही नहीं रह जाता। तो हर प्रकार के कवि जॉन किट्स कहते हैं कि द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग इज ए टेल ऑफ ग्रीफ और सॉरो, बट ए थिंग ऑफ ब्यूटी मेक्स ह्यूमन बीइंग लव लाइफ डिस्पाइट ऑल सफरिंग एंड पेन्स। अब जो रिमेनिंग लाइन्स हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर करूंगा। थैंक यू।